इतना सारा बटर भैया कितना है ये? 100 ग्राम है। चॉकलेट भी आएगी इसके ऊपर? आई एम स्पीचलेस। आप मुझे सेंस बता दो इस बात का कि इतनी बड़ी सैंडविच के ऊपर ये इतने बटर का क्या मतलब है? सैंडविच के अंदर जाए ग्रिल करने में यूज कर रहे हो आप, ठीक है, सैंडविच के ऊपर इतना बटर डाला गया है, मतलब कोई सेंस बनता है इस बात का? अभी हमें अहमदाबाद में कोलेजन सैंडविच पे, और भैया कौन सी सैंडविच बन रही है ये? कोलेजन स्पेशल। कोलेजन स्पेशल, तो गाइस बन का साइज देखो आप, दिखाना भैया, अहमदाबाद का सबसे बड़ा बन है शायद। हाँ सबसे बड़ा ये जो। तो बहुत ही स्पेशल सैंडविच है गाइस, वो बहुत ही यूनिक, इसके बारे में बहुत सुना है मैंने। ये बटर लगा रहा हूँ, ये इसके ऊपर लग रहा है बटर। बटर बन का साइज बहुत ही बड़ा है, अभी आपको नजर नहीं आ रहा होगा, थोड़ी देर बाद में उठा के दिखाऊंगा, बहुत बड़ा बन है, इसके ऊपर ढेर सारा बटर लगा है। ये चटनी, बटर के बाद लगाएगी ये चटनी, मिर्ची और धनिया की। ये काकड़ी, खीरा काकड़ी, इसके बाद खीरा और ककड़ी। हाँ। इसके बाद खीरा और ककड़ी डाली गई है। बीट चुकंदर, इसके बाद बीट रूट डाला गया है, चुकंदर। हाँ जी। तो भैया सारी वेजिटेबल आएंगी? सब वेजिटेबल आएगी। टमाटर है, इसके बाद टमाटर आ रहा है। भैया कितने साल से मिल रही है ये वाली सैंडविच आपके पास? 18-19 साल से। 18-19 साल से। अनियन आया है, चाट मसाला। अब इसके ऊपर डाला गया है चाट मसाला, आलू का मसाला। अब ये देखिए आलू का मसाला आ रहा है दूसरे वाले बन पर। दूसरे वाले। तो भैया साइज बहुत बड़ा है, इसका प्राइस कितना है? 300 रुपए हो गया अभी। 300 रुपए हो गया है। अभी डाल रहा चीज। अब ये देखिए इसके ऊपर चीज डाला जा रहा है, ढेर सारा चीज। चीज मतलब डलता ही जा रहा है चीज, बिल्कुल पहाड़ बना दिया है चीज का। अब इसको काटा जाएगा, और साइज देखो आप कितना बड़ा है, पूरे हाथ में भैया के आ नहीं रहा है ये बन। अब इसको ले लिया प्लेट के अंदर, अभी और कुछ भी आएगा इस पे? अब इसके ऊपर बटर लगेगा। तो गाइस ढेर सारा बटर अंदर लगा है, और ऊपर भी देखिए कितना बटर। बटर के बाद फिर से ढेर सारी चटनी। ये टमाटो केचप है, इतना गाढ़ा आपका खुद का बनाया हुआ? अच्छा बाहर से आता है। तो गाइस बहुत सारा टमाटो केचप लगाया गया है, और फिर से चीज आएगा, तो मतलब अंदर कम चीज तो भैया ऊपर भी इतना चीज आएगा। ये वाला सैंडविच भैया खरीदते हैं लोग इतने बड़े वाला? बहुत खरीदते हैं। रविवार को बहुत दिखती है। अच्छा रविवार को बहुत दिखती है, तो हमें कल आना चाहिए था। गाइस ये देखे बिल्कुल, अच्छा अच्छा इतनी भीड़ होती है, चीज से ढक चुका है। इसके बाद ये डाली नायलॉन सेव, और इसके ऊपर सिंग चना मतलब मूंगफली, मूंगफली, और अब इसके ऊपर आएगा बटर। इतना सारा बटर भैया कितना है ये? 100 ग्राम बटर आया गाइस इसके ऊपर। आई एम शॉक्ड, इतना बटर कौन खाता है भैया? चॉकलेट भी आएगी इसके ऊपर, मतलब आई एम स्पीचलेस, अलग ही चीज है भैया, होगी तैयार। तो गाइज ये 300 रुपए की सैंडविच है, सैंडविच है, बन है, क्या है पता नहीं, आप एक बार साइज देखो, मतलब बहुत बड़ा हाथ है मेरा, 6 फीट 2 इंच का आदमी हूं मैं, ये मेरा हाथ है, लुक एट दिस साइज, मतलब कितनी ह्यूज है ये। और चलो साइज अपनी जगह, टेस्ट अपनी जगह, वो सब बात की बात, आप मुझे सेंस बता दो इस बात का कि इतनी बड़ी सैंडविच के ऊपर ये इतने बटर का क्या मतलब है? देख रहे हो कितना बटर है ये, मतलब सैंडविच के अंदर जाए ग्रिल करने में यूज कर रहे हो आप, ठीक है, सैंडविच के ऊपर इतना बटर डाला गया है, मतलब कोई सेंस बनता है इस बात का? और उसके ऊपर चॉकलेट डाली गई है। अब टेस्ट देखते हैं टेस्ट कैसा है, मे बी टेस्ट में कुछ सेंस आ जाए। अब इसे खाया कैसे जाए, देख रहे हो आप, मतलब बहुत ही संघर्ष हो रहा है यार, भाई कौन खाता है इसे, इंसान को की चीज तो नहीं है ये, मतलब ये देखो आप, ये सैंडविच है, सैंडविच है, बन है, पता नहीं क्या ही है, बहुत सारी सब्जियां हैं इसके अंदर। टेस्ट देखते हैं, खाने के बाद ही जज करेंगे, क्योंकि बहुत फेमस है यहाँ पे, तो मे बी टेस्ट में अच्छी हो। सबसे पहली बात तो ये, जो खाना बहुत संघर्ष, बहुत मुश्किल का काम है, पूरे हाथ गंदे हो जाएंगे, पूरा मुंह गंदा हो जाएगा, आधे सामान नीचे गिर जाएंगे, अंदर सब्जियां डाली हुई हैं, ढेर सारी चीज है, कुछ बहुत ही ज्यादा ओवर बटर डाला हुआ है, और ये ऊपर पता नहीं क्यों बटर रखा हुआ है, शायद ये मेरी समझ से बाहर है क्यों रखा हुआ है। आपको समझ में आ रहा हो ना ये बटर ऊपर क्यों रखा हुआ है, तो मुझे कमेंट में जरूर बताना कि मेरी समझ से टोटली बाहर है क्यों है, और चलो बटर है तो है, उसके ऊपर ये चॉकलेट क्यों है, पता नहीं है भाई क्या बनाया है और क्यों बनाया है। 300 रुपए इसका प्राइस है, तो अपना तो 300 रुपए देके पूरा कट चुका है, नॉट एट ऑल वर्थ इट, ना ही तो टेस्ट ऐसा सच कुछ है, खाने में बहुत मैसी, ओवर प्राइस और नॉनसेंस। आप एक बार अहमदाबाद आ जाओ, ये खरीदो अपने रुपयों से, उसको खाओ,
उसके बाद आप डंडा लेकर उन ब्लॉगर्स के पीछे घूमोगे जिन्होंने इसकी तारीफ करी और ये जगह रेकमेंड करी आपको। मैं बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूंगा ये जगह आपको, 300 रुपए की वेस्टेज है। मेरे को ये बिल्कुल पसंद नहीं आई, लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, क्योंकि मैं आपको दिखाऊंगा पूरे इंडिया का सबसे अच्छा वेजिटेरियन फूड। एंड नो मैटर वेयर यू आर, आई विल फाइंड यू एंड आई विल मेक यू हंग्री। अभी तो इंद्रदेव ने हमें ढूंढ लिया है और हमें पानी पानी करने की तैयारियों में है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।